मम्मी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कहाँ एलिफ? एलिफ आई है, मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है उसे। पागलों वाली बातें मत करो तुम, हटो, मुझे जाने दो, हटो। कैसी एलिफ? ये वाकई पागल हो गई है। कैसी एलिफ? यहाँ आओ पागल औरत, यहाँ आओ। अरे यहाँ ही थी, यहाँ खड़ी थी। हमने तो पुलिस स्टेशन में झूठ बोला था, मगर तुम तो वाकई पागल हो। यहाँ भी खड़ी, मुझे देख रही थी मेरी बच्ची। ये तो अच्छी खासी पागल है। चलो चलो तुम भी लड़की, चलो जाओ। वहाँ थी वो। हाय अम्मी, एलिफ नहीं, चलो जाओ। चले चलो अंदर। पागल, एलिफ का नाम ले लेकर दिमाग खा गई है। सुनो एक मिनट। तुम जाओ यहाँ से। जरूरी है, नहीं तो सबको उठा दूंगा। पांच मिनट। अच्छा अच्छा चुप। क्या चाहते हो? एलिफ, मेरी बात सुनो, तुम खतरे में हो, ये बताने के लिए आया हूँ। फजूल बातें मत करो, मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं। एलिफ एक दफा ही सही, मगर मेरी बात तो सुन लो तुम। इस दफा मामला सीरियस है, और जो आदमी तुम्हें अगवा करने के लिए आया था उसे पकड़ लिया। और तुम्हें पता है उसने बयान में किसका नाम लिया है? किसने किया है ये? इब्राहिम योगेद ने।
तुम्हारा लॉयर, उसने अगवा की कोशिश की थी। झूठ मत बोलो। एलिफ, फौरन अंदर जाओ, फौरन अंदर जाओ। तुम कहीं नहीं जाएगी ये। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? डेनिस, इब्राहिम भाई प्लीज आप मत लड़ें। बात सुनो, इस लड़की के आसपास भी ना देखो तुम्हें। क्यों? तुम्हारा काम खराब हो जाता है। अब मैं तुम्हें इन्हें मजीद इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। बदतमीज, किस तरह बात कर रहे हो? ये मेरी बेटियां हैं। आ गए हैं, अब इनको बताना अपना मसला। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया एलिफ, इसने जो किया उसी की सजा मिली। इब्राहिम उगम कौन है? हाँ मैं हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कहाँ ले जा रहे हो बेटा? वकील है ये, कसूर क्या है इनका? हम लोग इन्हें एरिफ कुरैल को जान से मरवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? एलिफ बाहर आगे लड़कियों, इब्राहिम भाई तो नहीं है। एलिफ रुको जरा। और क्या चाहते हो? जो चाहते थे हो गया, इब्राहिम भाई अंदर है, खुश हो अब? यार अंधी हो गई हो क्या? हकीकत से क्यों नजरें चुरा रही हो? वो आदमी अपने मुंह से बोल रहा है उसे इब्राहिम ने हायर किया था। झूठ, मैं तुम्हारे एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं कर रही। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं? तुम सब लोग उसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हो। बस करो। तुम सब लोग उसकी गंदी सोच का हिस्सा हो। मैंने कहा बस। तुम जिसको फरिश्ता समझते हो वो शैतान है तुम्हारे लिए। शनाई, हाँ नहीं, डेनिस को उठा दो, फ्रेश हो जाए, मेहमान पहुंचने वाले होंगे। डेनिस घर पर नहीं है। कैसे नहीं है? मुझे क्या मालूम, नहीं है। रात को कहीं चला गया होगा, फोन भी बंद है उसका। यकीनन उस लड़की के पास गया होगा। क्या कहूँ मैं इस बच्चे को भा, क्या कहूँ मैं, अब बताओ। उसने देख लिया है कि वो कैसी जगह है। वो अच्छे लोग नहीं है मिलने के लिए, उसे मना भी किया मिलने से। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? आ गए वो लोग। हाँ आ गए हैं, आ गए। खुश आमदीद। थैंक यू। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग कमांडर। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। अस्सलाम। खुश आमदीद। डेनिस नहीं है? डेनिस वो थोड़ी देर में आ जाएगा। कहाँ गया है? सरप्राइज है। सरप्राइज, चलो चलो अंदर चलो। समझ नहीं आ रही इब्राहिम भाई को क्यों पुलिस ने अरेस्ट किया। सोहेला, अच्छा ना ऐसे मत कहो। किस लिए? इब्राहिम भाई क्यों हायर करेंगे उस आदमी को? अगर इसने ना मारा होता तो मैं मार देती। देखो तुम्हें क्या पता झूठ है भी या नहीं, और पुलिस को कुछ नजर ना आता तो इतनी देर थोड़ी रखते जेल में। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी मैं। सुहेला, बुरी बात है बेटा। ये एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश। यार तुम जाओ, दफा हो जाओ हमारे पास से। मेरी भी रुकने की कोई नियत नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों से इख्तलाफ है। चाहे यकीन करो या ना करो, उन्होंने इस लड़की को मारने की कोशिश की थी। हद हो गई यार। चलो बेटी हॉस्टल, चलो उठो, चले चलो तुम भी। ये कैसा सरप्राइज है सुबह सुबह।
पता है क्या, ऐसे ही कह दिया। कमांडर, आपको शायद इस बारे में पता नहीं, कल जो कुछ हुआ हेडक्वार्टर्स में। क्या हुआ? ब्रेकफास्ट की टेबल पे काम की बात नहीं कर सकते। आपसे भी ताल्लुक है इसका, वो केस वाला मसला, वो वकील इब्राहिम जुगन है ना, एक आदमी को साथ मिलाकर कार्रवाइयां करना चाहता था। होस्टल की लड़कियों में से एक को अगवा कराने की कोशिश की और उस लड़की को मरवा कर खुद को मशहूर करवाना चाहता था। ठीक है, पर ऐसा क्यों करेगा? आपको कसूरवार ठहराने के लिए, आपको बुनियाद बनाकर वो हिजाब वालों के सामने हीरो बनना चाहता है और सबको आपके मुखालिफ करना चाहता है। ऐसा करकर हिजाब वालों को तहस दिलाने की कोशिश में है वो। अब बोले, अब क्या कहेंगी आप राणा मैडम? सुन रही हो तुम राणा डियर? पता नहीं वो वकील केस जीतने के लिए और क्या क्या करेगा। अच्छा, कुछ पता है क्या बना उस वकील का अब तक? कमांडर, थोड़ी देर बाद पूछगिछ के लिए ले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हशर होता है उसका, गॉड नोस। डेनिस, तुम आ गए। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद कमांडर। थैंक यू। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। सनम के पसंद के फूल लेने के लिए थोड़ा घूमना पड़ा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। ज़ैनब, कहाँ जा रही हो? अंकल से बात हुई थी, उन्होंने कहा वापस आ जाओ। यार, कहाँ जा रही हो? मुझसे पूछा था, मैंने कहा जा सकती है। इस तरह सड़क पर कब तक पड़े रहेंगे? जब इब्राहिम थे तो बात और थी, कोई उम्मीद थी कि हॉस्टल खुल जाएगा, मगर अब हालत सामने है। हर कोई अपनी फैमिली को फोन कर दे, आज रात कोई नहीं रुकेगा यहाँ। चलो बेटा। तुम चाय और लोगे? तुम दोगी तो इनकार नहीं। तुम दोनों को इस तरह फ्रेंडली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सब ठीक हो गया है, अब मासी की कोई बात नहीं छेड़ते। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। आज का कोई प्लान है? नो। सही, तो फिर अब है, 3 बजे आकर पिक करूंगा तुम्हें। फिर एक सरप्राइज। हाँ, मगर इस दफा बहुत हैरान कुन होगा। ओके, वैसे यू नो, हैरान हूं आज। उस वकील वाले मसले का जितनी जल्दी हल निकल आया है, मैं उस पर हैरान रह गया हूँ। और खुशी भी बहुत हुई है मुझे ऑफिसर। बहुत शुक्रिया कमांडर, लेकिन अभी कहानी का कुछ हिस्सा बाकी है। जिस लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, एलिफ है वो, यानी वकील साहब ने एलिफ को मारने की कोशिश की। हाँ,
तुमने तो इस बार मेरा दिल ही जीत लिया है गुड ऑफिसर। अब मैं तुम्हें एक और ड्यूटी दे रहा हूं। ऑर्डर करें कमांडर। जानते हो यूनिवर्सिटी में हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले कुछ लोग हैं जो कि वहां स्टूडेंट्स हैं। राइट कमांडर। मैं चाहता हूं आज की मीटिंग को तुम जाकर अटेंड करो मेरी जगह पर। जाहिर है तुम मेरी नुमाइंदगी करोगे। माय प्लेजर कमांडर। यार अब फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं। अदीला आपा को सुन लिया था ना तुमने? सुहेला मेरे बाबा को नहीं जानती क्या? कुछ पता नहीं चलता उनके मूड का। डरने से कुछ हासिल नहीं होगा एलिफ। पकड़ना जरा इसको। तू इधर दे मुझे। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो बाबा। दिमाग तो ठीक है, क्यों फोन कर रही हो मुझे? हर कोई घर पर है। और कोई चारा नहीं था बाबा, सड़क पर आ गई हूँ मैं। कैसी सड़क? हॉस्टल बंद हो गया है। बाद में बता दूंगी, अभी बैलेंस नहीं है। हॉस्टल के सामने तरपाल में रह रहे हैं हम। मुझे पैसे चाहिए। हैं? घर भी ना ले दो तुम्हें। अल्लाह मेरी किस्मत, कुछ ही दिनों में दोस्त भी बना ली है इसने यहाँ पर। बाबा थोड़े पैसे ही छोड़ दे, कुछ खाने पीने को ही ले लूंगी। लड़की हमारी क्या ऐसी बात हुई थी? तुमने तो मुझे कॉल नहीं करनी थी, मैं खुद करूंगा ये समझाया था तुम्हें। ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतने जिससे गुजारा हो सके। मेरी फ्रेंड के पास भी नहीं है। कितने में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा? हाँ अच्छा अच्छा ला देता हूँ तुम्हें। मेरी बात गौर से सुनो, दोबारा फोन मत करना वरना बहुत मारूंगा तुम्हें, समझी? औकात देखता नहीं है अपनी, ऊपर से अब पैसे भी बांटना शुरू हो गया है। मैं इस पैसे को तुम्हारे लिए जहर ना बना दूं तो देखना। अच्छा अच्छा बंद करो फोन, करो बंद। दुनिया रेडीमेड लेती है और मैं अभी तक इन्हीं कामों में लगी हुई हूं। बैग कहां पर रखा है? कौन सा बैग? बाबा वाला बैग। पागल हो गई है शायद, मार देगा हम दोनों को। नहीं बताओगी तो मार दूंगी तुम्हें। उफ, सेफ के अंदर। मुझे मगर मैं बुन रही थी इससे। चुप। बहुत शुक्रिया, गुड बाय डिनीस डियर, सी यू। 3 बजे इंतजार करूंगी। यकीनन मिलते हैं।
आने का बहुत शुक्रिया कमांडर। फिर मुलाकात होगी ऑफिसर। भाई, ये इब्राहिम का मसला क्या है? क्या हुआ है? लड़की को अगवा कर रहा था, ये हो सकता है क्या? आह राना, बहुत सादा हो बहुत। तुम इस आदमी को जानती नहीं, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। सालों पहले तुमने कोशिश की, मगर अभी भी उसको जानने में मुश्किल हो रही है तुम्हें। जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए राना, बहुत। खैर, जितना डर रही थी उतना नहीं हुआ कम से कम। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है यार। हो जाएगा कुछ ना कुछ, खाली बातों से गुजारा नहीं होगा एलिफ। क्या करेंगे फिर? तुम्हारी अम्मी को फोन करें? नहीं कर सकती। क्यों? मेरा हाल तो तुमसे भी बुरा है, बात भी नहीं करते मुझसे हिजाब की वजह से। मुझे नहीं पता था। किसी को भी नहीं पता एक्चुअली। मामू पढ़ा रहे हैं मुझे, उनसे कुछ दिन पहले ही पैसे लिए हैं। असल में कुछ रिंग्स और इयररिंग्स हैं, वो ना बेच दूं? चलो आओ ज्वेलर के पास चलते हैं। जा रहा हूं मैं। कहां जा रहे हो? बाजार जा रहा हूं। क्या जलाया तुम लोगों ने यहाँ? जलने की बू आ रही है। कुछ नहीं, थोड़ा कचरा। हाँ ठीक है, चलो बाहर और मेरा इंतजार करो। तुम्हें कहा है चलो बाहर। चलो शाबाश, इसको देखो जरा, तुम सही शहरी बन गई हो। चलो 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 चलो, निकलो बाहर। पैसे, पैसे कहाँ गए? बेटी, बेटी पैसों का क्या किया? बेटी क्या हुआ है बैग को? कौन सा बैग? बैग ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, हमें किसी बैग का नहीं पता। तुमने किया है कुछ? नहीं नहीं। भाई कैसा लग रहा हूँ? हीरो की तरह लग रहा हूँ ना मैं? तुमने लिए है? हाँ मैंने लिया है भाई, वैसे हेडक्वार्टर ने भी हमारी मदद की थी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। फिर क्या पूछा? बैग में से पैसे कहाँ गए? क्या कह रहे हो भाई? बैग को देखो भाई, पैसे कहाँ हैं? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, पैसे कहाँ हैं? मुझे क्या पता भाई, मैंने नहीं लिए पैसे। मेरे से झूठ न बोल, दे पैसे कहाँ हैं? भाई खुदा के लिए मुझे नहीं पता। छोड़ो भाई, भाई ना माने, मैंने नहीं लिए। मारो एक दूसरे को अच्छी तरह। तू पैसे मुझे तेरे बाप भी देगा पैसे? भाई मत मार, तेरे बाप तो देख ले। काटो ना मुझे और पकड़ के। Sit down, please. आप सबके लिए पहले तो मैं कुदरत कमांडर का सलाम पेश करता हूं। So, you know, कॉलेजेस खुल गए और काम भी शुरू हो चुका है। अब आप लोगों से हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। कॉलेज में जो कुछ भी होता है, जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। और बताएं, इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी का इंचार्ज कौन है? मैं हूं जनाब। लगता है तुम अच्छा काम करने वालों में से हो, अपनी ड्यूटी खूब अंजाम दी है। पिटीशन के लिए तुमने जो काम किया उसे ऊपर तक काफी सराहा गया। गुड, वेरी गुड। आप लोगों के लिए ट्रस्ट जीतना इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट जीतने के बाद उसको कैश कराना भी जरूरी है। आपके नाम पर इदारा बनाया है, पास ऑन। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीनी तालीम लेने वालों को उस छत के नीचे तुम इकट्ठा करोगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप वालों को भी तुम पेशकश कर सकते हो अपनी मर्जी से।
हम आप लोगों की बैक करेंगे इस इदारे को चलाने के लिए। कामयाबी मिलने पर इस सिस्टम को हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। तो हमें कंधे से कंधा जोड़कर हाथ में हाथ डालकर अपनी इस जमहूरियत को खराब करने वालों को हर सूरत में रोकना है। डिनिस, यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, मगर मुझे पता था कि तुम अपनी गलती समझ जाओगे। सही कह रही हो, मैंने गलती की और वो भी बहुत बड़ी गलती, मगर अब इसकी तलाफी भी करूंगा। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद, क्या देखना चाहेंगे आप? मंगनी की अंगूठी चाहिए हमें। ये तो शहर का सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ तो जरूर कोई ज्वेलर होगा। सुहेला सुनो, बाबा लेकर आ तो रहे हैं, पहले उस पर गुजारा कर लेते हैं, ना हुआ तो आप सोच लेंगे। यार देखो एलिफ, हर कोई कुछ ना कुछ लाएगा, मेरे हाथ खाली रहेंगे। सुहेला, हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं जो ऐसा सोचे। और क्या क्या नहीं किया तुमने? तुम्हें एक बात बोलूं, मैं कोई बात याद नहीं करना चाहती। तुम फिक्र ना करो मेरी बहन। हाँ वो देखो, एक ज्वेलर की दुकान। ये कैसी है? तुम्हें जो भी पसंद है ले लेते हैं। समझ ही नहीं आ रही मुझे। यहाँ के डिजाइन्स भी देखने। अस्सलाम वालेकुम। डार्लिंग, ये कैसी है? सब भी अच्छी लगती हैं तुम्हारे हाथ पर। आपको क्या चाहिए? मैंने इनको बेचना था अंकल। हम यहाँ सिर्फ सेल करते हैं। समझ आ ही गई थी कि सेल होती है, गलत आ गए हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, आप यहाँ पर लिख कर लगा दे ताकि हर कोई उठ कर ना आ जाए। जैसे इनको ही देख लें अब आप। ये देखो डार्लिंग। झूठा, देखा कैसे बोल रहा था उसको। लड़की भी वैसी ही है, सही मिलते हैं एक दूसरे को। देखा था कैसे देख रहे थे एक दूसरे को। मैंने मंगनी खत्म कर दी है, तुम्हारे अलावा कुछ समझ नहीं आता, अपने दिल को समझा नहीं पा रहा, सब झूठ था। तुम क्यों उदास होती हो? वैसे भी तुम्हें कौन सा इंटरेस्ट है? पता नहीं, मुझे यकीन नहीं किया मैंने। कहीं दिल तो नहीं दे दिया उसे? मेरा दिल उस जैसे झूठे और फरेबी के लिए रह गया है। मैं पहले अपनी पढ़ाई खत्म करूंगी, फिर अल्लाह ने चाहा तो किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। सब कुछ तैयार है, हॉस्टल की सरगर्मियां फौरन शुरू करो। पहले मेहमान आज रात आ जाएंगे तुम्हारे पास। बंद होने वाले एक हॉस्टल के स्टूडेंट सड़क पर हैं, उनकी मदद करोगे? क्यों नहीं, जरूर मदद करूंगा उनकी मैं। गुड, चलें। गुड, थैंक यू। लो सिराब, लड़कियों से कहो एक हॉस्टल मिल गया है। मैंने आपसे इस बारे में ही बात करनी थी, नहीं कर सकती, हॉस्टल से अलग हो गई हूँ मैं। इस किस्म का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया है? क्या कर सकती थी, निकाल दिया मुझे, पीछे पड़ गए थे मेरे, मैं वैसे ही उन्हें पसंद नहीं थी। ठीक है फिर, अब अपने आप को पहले पसंद करवाओगी और फिर हॉस्टल में लेकर आओगी। वो किसी की बात नहीं मानती, दरवाजे के आगे से हटने का उन लोगों का कोई इरादा नहीं है, उन्हें कन्विंस करना नामुमकिन है। ये मेरा मसला नहीं है, जलाओ तोड़ो जो भी करो, मगर उनको हॉस्टल में लेकर आओ। अंडरस्टूड ना? अंडरस्टूड। गुड, सी यू सून।
फ्रेंड्स में जा रही हूँ। फातिमा तुम भी कहाँ? यहाँ कैसे रहेंगे? कहाँ जा रही हो, तुमने तो आखिर तक साथ रहना था। मैंने कहा नहीं कि यहाँ कोई नहीं रुकेगा, एक दूसरे को जबरदस्ती मत रोको। चलो बेटी, अल्लाह तुम्हारे रास्ते खोले। यार हम सब क्या कर रहे हैं, इसी तरह सब चले जाएंगे, हार मान जाएंगे। क्या करें, अदीला आपा की बात सुन ली है ना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। उनको डर है कि हमें कुछ हो ना जाए। यार अच्छे खासे बड़े हैं हम, क्या हम अपना ख्याल नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। मैं इतने ही ला सकी। थैंक यू। मैं जरा बैंक से होके आती हूँ। जी मेरे पास भी इतने ही हैं। मेरे बाबा लेकर आएंगे, मगर इंतजार कर रही हूँ अभी। मैं कल कर लूंगी, जूलर नहीं मिला कोई। टेंशन ना लो तुम लोग, पहले हमारे पास जो है हम वो खर्च कर लेते हैं। मुझे भी अपने जैसा कर लिया है तुम लोगों ने, ये लो पकड़ो। आपा मेरी, आपका साया ही काफी है हमारे लिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या लेने आई हो बेटी? मैं अपनी फ्रेंड से सॉरी कहने आई हूँ। वो सब कुछ ना चाहते हुए मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सो सॉरी। मैं अभी यहाँ नहीं आई हूँ और इसी वजह से इब्राहिम भाई को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। आज उनके जानने वाले कुछ लोगों से मिली हूँ, उन्होंने कहा मैंने गलत किया है। कौन है वो जानने वाला? जिया, जिसने पिटीशन बनाई थी उसने बताया मुझे सब कुछ। एक इदारा बनाया है, वहाँ के हॉस्टल में बुला रहे हैं तुम लोगों को। मैंने हालत के बारे में बताया, कहते हैं हम अपनी बहनों को सड़क पर नहीं छोड़ सकते। अच्छा है, शुक्रिया सराब डियर। माफी मांगना बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आई, जहमत की, मगर हम अपना ठिकाना खुद ढूंढ लेंगे। हमने पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, जब तक इब्राहिम भाई नहीं आते इस हॉस्टल को बचा कर रखेंगे, फैसला किया हुआ है। अच्छा ठीक है। फिर भी मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी, ये है मेरा हिस्सा। आज के बाद तुम लोग जहाँ रहोगे मैं भी वहाँ रहूंगी। निकालोगे भी तो कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अब अपने लिए जगह देख लो। मैं कहीं नहीं जा रहा, या तो पैसे वापस करोगे या फिर हमें मारोगे। मैंने नहीं लिए, समझ नहीं आती। अल्लाह उठना बोल, कसम से ऐसा मारूंगा फिर उठ नहीं सकेगा। तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र कर, छोड़ दिया है, मगर अगली दफा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगली दफा नहीं है भाई, मर जाऊंगा मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। दरवाजा मुझे, तो फिर गधों की तरह ख्याल रखोगे हमारा, ठीक है? हाँ, ऐसे रेल अपनी पटरी नहीं छोड़ती, तुम भी ऐसा करोगे। हाँ। बात सुन, कल से कोई बहस नहीं है, कमांडर को फिर फोन करूंगा, वक्त पूरा हो गया है, समझा? अल्लाह अल्लाह, मोट उठ गया मेरा, अल्लाह मैं मर गया, ये क्या हो गया? असला नीला गांव से आया है, कुछ साल पहले इस्तांबुल से ही गया था। तुम्हें एक औरत का नाम दिया था रुकैया, उससे कोई वास्ता निकला लड़की का? जी वो दूर की रिश्तेदार है उसकी। समझ आ गई मुझे, वक्त पूरा हो गया उनका, दोबारा जरूर पैसे मांगेंगे वो, इस बार उन्हें पकड़ो और फारिग कर दो, और कोई सबूत नहीं छोड़ना। ओके, Thank you.
करेंगे अब? हर चीज जल गई है। जो पैसे जमा किए थे वो भी जल गए। ऐसे मत बोलो बेटा, अल्लाह ने जान बचा ली है। लड़कियों, बाबा क्या हुआ? यहाँ आग लग गई है, सब कुछ जल गया। ये दूसरी तरफ क्या हुआ? सी लोग हैं, इस वजह से तरपाल में रह रहे थे, अब वो भी जल गया। क्या करें, मैं तो घर भी नहीं ले जा सकता। असल में मुझे एक जगह मिली है, मगर ये मान नहीं रही। रात अगर मेरी बात मान लेती तो ये सब ना होता। हाँ देखो, ये लड़की अकलमंद है। कहाँ है वो जगह मुझे बताओ। एक इदारा है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है, उनके रहने की जगह अरेंज करता है, बल्कि स्कॉलरशिप भी देता है और खाने पीने के लिए भी। अरे चलो, मैं फिर घर वालों को भी लेके आता हूँ। सिर्फ स्टूडेंट्स को रखते हैं वहाँ पर। हाँ? हमें नीचा दिखाने के लिए बाहर निकाला है, क्या हम सर झुका दें यिलमाज अंकल? आग भी शायद जानकर लगाई है ताकि हम यहाँ से चले जाएं। बेटी तुम उन बेअकलों की बातों में ना आना, ये लड़की जो बता रही वहाँ चलते हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमने एक दूसरे से वादा किया है, जो भी हो जाए एक साथ रहेंगे यहाँ। बासुन इतनी जल्दी भूल गई हो वो फोटो वाली बात? ले जाऊंगा किसी फ्लैट पर और पूरी फिल्म बना दूंगा तुम पर, समझी? जिसे जहाँ जाना है जाए। बेटी कहाँ है वो हॉस्टल? ले जाओ हमें वहाँ, जिसने रहना है रहे। अल्लाह हाफिज। मैं नहीं आऊंगी बाबा। क्या कहती जा रही हो तुम? मुझे दोबारा पागल मत करना, खाना चलाओ। छोड़ो छोड़ो लड़की को, छोड़ो बाबा, बाबा छोड़ो इसे, चलो पागल हो। मेरा दिमाग खराब ना करो, ना खराब करो मेरा दिमाग। बाबा क्या कर रहे? हेलो कमांडर संजार, आपने जो कहा मैंने किया, अभी इधर ही हैं वो। ये हुई ना बात। डिनी सुनो, क्या हम दो मिनट बात कर सकते हैं यहाँ? बोलो। चलो वहां बैठे। डिनीज डियर, तुम मुझे माफ कर सकोगे? किस लिए? उस पागल लड़की की वजह से मैंने क्या क्या किया। उस गांव की लड़की से जेलस हो गई थी मैं, मगर ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। कोई बात नहीं, गुजर गया अब सब कुछ। उसे भी यकीनन अब समझ आ गई होगी, तुम्हारे पीछे आना छोड़ देगी अब। वो कभी भी मेरे पीछे नहीं मंडलाई, मुझे बस उस पर तरस आया और उसकी मदद की बस। मेरे अच्छे से प्यारे से डिनीस, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना हमें? नहीं, मुझे अब मजीद लेट नहीं होना चाहिए, घर वालों को ज्यादा फिक्रमंद नहीं करना चाहिए हमें। कल फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कल 11 बजे प्रोटेस्ट के लिए हम सब इकट्ठे होंगे और अपना हक हासिल करने की जंग लड़ेंगे। क्या हमारा साथ दोगे? देंगे। क्या आप सब लोग अपने हक के लिए लड़ोगे? देंगे। नेक्स्ट वीक मंगनी का प्लान किया है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। ये बात हुई ना, वाह। तुमने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अब कल ही इंजी बेगम से बात करूंगी। यार कम ऑन, इतनी एक्साइटेड ना हो। कैसे एक्साइटेड ना हूँ, अगले हफ्ते का बोल रहा है वो। दोबारा तुम्हें डिनीस के आसपास ना देखूं। हे, मैं क्या कह रही हूँ, और मैं कमांडर की बेटी हूँ। क्या करूँ, सलाम अर्ज करूँ? डेनिस समझ लिया तुमने मुझे शायद।
अगले हफ्ते मंगनी है हमारी।